आई है फर्स्ट गियर में, और देखते हैं भाई फर्स्ट गियर में कहाँ तक जाएगी बाइक, टॉर्क पता चल जाएगा भाई बाइक का। ये फर्स्ट गियर क्या भाई, भाई 40 पे लैग कर रहे हैं, 40 पे सेकंड 67 पे लैग कर रहे हैं भाई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम बात करने वाले भाई इसके, और ये क्या है भाई, ये है जावा की, जावा बोबर 42, और इस सेगमेंट की भाई नेक्स्ट लेवल है। तो पहले तो भाई जितने भी मेरे भाई चैनल पे आए हैं सबका मोस्ट वेलकम, और सारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज भाई पूरी डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं हम, क्या प्राइस रेंज होने वाली है गाइस और कितनी स्पीड है सब कुछ बताएंगे। बाकी अभी एक बार बाइक की लुक देखो भाई, प्यारी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं भाई, सबसे पहले जो इसमें यूनिक चीज है यहाँ पे भाई सीट के ऊपर सिंगल सीट मिलती है इसमें आपको, और पीछे से पूरा ऐसा है, बट आप अलग से सीट लगवा भी सकते हैं। और इस वाली सीट का एक प्लस पॉइंट और है, वो क्या है, इसे आप ना अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। लगे जैसे अभी नीचे वो रखी है तो एलंकी से खुलेगी, बाकी ऊपर करनी है थोड़ी ऊपर हो जाएगी, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे ना भाई वैसे सेट कर सकते हो। और भाई बहुत मतलब दिखने में ऐसे लगती है कि यार बहुत लाइट वेट होगी, बट वेट भी काफ़ी सारा है इसमें। और बात करते हैं भाई इस पर बैठ के जो फील आ रही है ना गाइस अलग ही। बट एक चीज़ और जो कि बहुत ही बढ़िया है, जैसे कि भाई मेरी हाइट है 6 फीट, तो ये देखो भाई मेरे सामने ना बाइक ऐसे लग रही है बच्चे। तो इसके इंजन की बात करते हैं पहले, इसका इंजन है भाई 334 cc का इसका इंजन है भाई, मतलब दिखने में छोटी लग रही है बट धमाका है भाई, फुल पावर। और जो प्लस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है, जैसे मेरी हाइट है 6 फीट, बट जिनों की एवरेज हाइट, मतलब जैसे हमारे इंडिया में एवरेज हाइट जो है 5'7", 5'6", 5'5", 5'8", 6 से नीचे, उनों के लिए भाई ये ना मतलब क्या कह दूँ मैं, मतलब ये लगा लो भाई उन लोगों के लिए तो गिफ्ट है। तो उन बंदों के लिए जिन्हें हाइट का इशू है, ये देखो भाई अभी मैं बैठ के दिखा रहा हूँ, 6 फीट मेरी हाइट है, आराम से कंफर्टेबल। बट अभी मेरे साथ है राहुल, और राहुल बैठ के दिखाएगा, राहुल की हाइट भी बताएंगे, तो राहुल की सिटिंग पोस्चर में दिखाएंगे भाई क्या आता है। राहुल बैठ के दिखाएगा अभी, और वो देखना कैसा लगेगा, और उसके बाद बात करेंगे भाई स्पीड वगैरह की, माइलेज की, वो सब पहले राहुल से मिलाते हैं। तो गाइस अपने साथ है राहुल, और राहुल हाइट कितनी है आपकी? भाई मेरी हाइट है 5'7" जी। तो भाई अब राहुल बैठ के दिखाएगा, और राहुल को देखना भाई अभी, तो ये देखो भाई प्रॉपर बैठी हो भाई नीचे। प्रॉपर, और मतलब ऐसा फील नहीं होता कि गाइस अलग ही, मतलब लगता है कि हाँ यार बाइक प्यारी लग रही है, देखो यार। गाइस लुक की बात कर लेते हैं भाई, सबसे मतलब इसमें ना इतनी यूनिक चीजें हैं जो अधिकतर बाइकों में नहीं मिलती। अब एग्जॉस्ट की बात करते हैं, एग्जॉस्ट देखो भाई, ये इसका एग्जॉस्ट है गाइस, बट सिर्फ ये नहीं है मेरे भाई, दूसरी तरफ जाएंगे तो यहाँ पर भी इसका एग्जॉस्ट है, दोनों तरफ से एग्जॉस्ट निकले हुए है, और अपने आप में चीज लगती है भाई। और ऐसे अगर यहाँ से देखोगे ना बाइक, ये वाला पोर्शन है भाई पूरा हैवी, फुल हैवी, बट जब आगे आते हैं ये देखो, तो ये भाई क्रूजर बाइक है और अलग ही है गाइस। और जो इसमें मिरर दिए हुए हैं ना भाई, ये मतलब स्टॉक मिरर है, ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा लगा रखे है, कंपनी से अपने ये वाले आते हैं दोनों तरफ, इनों से और इसकी लुक ज़्यादा अच्छी बन जाती है। इस बात करते हैं माइलेज की, ये बाइक देती है माइलेज भाई 30 किलोमीटर पर लीटर, 30 किलोमीटर की ये माइलेज देती है जो कंपनी क्लेम करती है, और अच्छा है यार भाई। और गाइस इंडियन रोड्स के हिसाब से भाई बहुत ही बढ़िया हाइट है, कोई ऐसी दिक्कत आने वाली है नहीं, बट जो यूनिक चीज़ है ना इसमें एक से एक भरी हुई है। अब बात करते हैं भाई, अगर आप देखोगे ना यहाँ से देखो बाइक को, चाबी लगाने के लिए भाई कुछ दिया ही नहीं है, अब सोचो यार की कहाँ पे लगेगी, वो भी दिखाते हैं भाई। तो ये देखो गाइस इसमें ना मतलब बढ़िया चीज़,
बाइक की की लगती है यहाँ पर अपनी, ये देखो साइड में की लगती है और बढ़िया एक नंबर यार भाई। इसे ना राइड करेंगे, अभी अपना GoPro सेटअप करते हैं और राइड करते हैं, उसके बाद बात करेंगे आपसे प्राइस की। तो भाई राइड पे जाने वाला है राहुल बाइक लेके, और बाकी बात करेगा राहुल आपसे राइड में कैसा लग रहा है क्या है। मैंने राइड करके देख ली, तो अभी राहुल जाएगा वो बताएगा, आपसे बात करते हुए जाएगा, और उसके बाद हम बाद में बात करेंगे लास्ट में प्राइस की। राहुल जाने वाला है भाई राइड पर, और राहुल मतलब ओपिनियन वो देनी है बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए, और हमारे जितनी यूट्यूब फैमिली है सबसे बात करते हुए जाना है, और जैसा लगे जो फील हो वो सारी चीजें बतानी है। डन। तो गाइस इसकी राइड के लिए तो भाई राहुल रेडी हो रहा है, जा रहे हैं। बाकी इस तरफ अपनी बूसा खड़ी हुई है, थोड़ी गंदी हो रही है, और हीरो एक्सपल्स खड़ी हुई है। तो बूसा की फुल डिटेल वीडियो के लिए कमेंट कर देना गाइस, अगर आप चाहते हो कि बूसा की फुल डिटेल वीडियो बनाऊं तो वो भी बनाऊंगा। और सारे भाई चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। राहुल हो गया रेडी भाई, और चलते हैं दिखाते हैं भाई आपको जावा की राइड। अब आगे बात करेगा राहुल भाई। यहाँ खड़ी है अपनी हायाबूसा और एक्सपल्स, ये अपने चाचा है भाई। बाय बाय पंकज, के हाल है पंकज का रिएक्शन देखा भाई कैसा था भाई। गांव से निकलता है फिलहाल भाई, निकलते हैं भाई, बच्चों का रिएक्शन देखते हैं। देखो भाई बालक कैसे कर रहे हैं भाई। भाई यहाँ देखो भाई बंदे मुड़ मुड़ के देख रहे भाई। पिकअप तो बहुत, क्या ही बोलूँ बस, पिकअप देखो भाई, पिकअप बहुत अच्छा है बाइक का भाई, पिकअप की कोई तोड़ नहीं है भाई। रॉयल एनफील्ड तो भाई दूर दूर तक टक्कर में नहीं है, क्या ही बता दूँ भाई। पोर्श क्या लग रही है भाई, भाई ये फर्स्ट गियर में, और देखते हैं भाई फर्स्ट गियर में कहाँ तक जाएगी बाइक, टॉर्क पता चल जाएगा भाई बाइक का। ये फर्स्ट गियर क्या भाई, भाई 40 पे लैग कर रहे हैं, 40 पे सेकंड 67 पे लैग कर रहा है भाई। भाई पिकअप बहुत अच्छा है, पर भाई पहला गियर लगाया मैंने, पहला गियर किया लैग 42 पे भाई। भाई नो डाउट ब्रेकिंग बहुत अच्छी है भाई, अपना कुछ इस तरह का व्यू है भाई गाँव का भाई। देखो भाई अब स्पीड टेस्ट करते हैं इसकी, रोड कुछ अच्छा सा नहीं है भाई, पर कर लेंगे कोई गल नहीं भाई। ब्रेकिंग तो बस क्या ही बताओ, इनफील्ड फेल है भाई। भाई पब्लिक मुड़ मुड़ के देख रही है बाइक को, बहुत ही ज़बरदस्त भाई, क्या ही बता दूँ भाई। भाई अब यहाँ से यू टर्न लेते हैं भाई, घर की तरफ चलते हैं। भाई पिकअप बहुत अच्छा है बाइक का भाई, कंट्रोलिंग भी बहुत अच्छी है भाई, बहुत ही प्यारी बाइक है भाई, चलाने में बहुत अच्छी है भाई, और सिंगल बंदे के लिए तो बहुत ही बेहतरीन बाइक है भाई, क्या बता दूँ गाइस। चलती हुई लगती है बाइक कुछ ऐसे, और रिएक्शन भाई इतने प्यारे मिल रहे हैं ना, मतलब कि हर कोई ऐसे देख रहा है, ये देखो मतलब भाई बाइक को ना हर कोई देख रहा है यार। अभी भाई भीड़ भी नहीं है, अभी तो फिर रिएक्शन वीडियो बननी भाई, क्या ही रिएक्शन दिखाए भाई, 10-15 लोग रोड पे भाई। कैसा हंसा है, लुक वाइज तो मतलब अलग ही, मतलब इस प्राइस रेंज में भाई ये देखो, और अभी देखना भाई अलग ही।
मैं चढ़ा दूं भाई के ऊपर। गाइस राहुल गया था भाई अभी राइड पर और इतने प्यारे रिएक्शन मिल रहे हैं ना भाई बाइक को, मतलब हैवी यार, लुक वाइज तो ऑसम गाइस। तो अभी जल्दी से बात करते हैं भाई प्राइस की। ये बाइक एक शोरूम है अपनी 2,17,000 और ऑन रोड आपको पड़ती है 2,49,000 की अपने भाई गुड़गांव हरियाणा में। बाकी हर स्टेट का अलग अलग हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और इसकी भाई टॉप स्पीड की बात करते हैं तो गाइस टॉप स्पीड है भाई इसकी 130, बट स्पीड पे मत जाना। ये जो बाइक है ना भाई लुक वाइज और भाई मतलब अलग ही है यार, हर चीज़ स्पीड नहीं होती और मेरे हिसाब से तो भाई ज़्यादा ओवर स्पीड जाना भी नहीं चाहिए, तो ये स्पीड परफेक्ट है। और अगर किसी को भाई ये बाइक लेनी है, मतलब जिनकी भाई हाइट थोड़ी ना, मतलब किसी को ये नहीं बोलना चाह रहा मैं कि हाइट कम, लेकिन जिनकी हाइट कम है वो बंदे इस बाइक को अगर ऑन करेंगे तो उनके लिए भाई परफेक्ट चॉइस है। बिकॉज ये जिस रेंज में आती है ना, इस रेंज में आपको बुलेट मिलेगी और बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, ये सारी बाइक बहुत ज़्यादा कॉमन है, बट इसमें कुछ अलग है गाइस। वो सब आपने वीडियो में देख लिया क्या क्या है। अब जल्दी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे, सारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्यार दे दो भाई बहुत सारा। और 10,000 सब्सक्राइबर होने पर हम करने वाले गिव अवे, तो गिव अवे में कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड। उससे पहले अगर मेरे से कुछ मिस हो गया हो वीडियो में, मैं बताना भूल गया हूँ, तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम और अच्छे से प्रिपेयर होके आएंगे और अच्छे से आपको बता पाएंगे। बाकी अभी इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड और मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।